सबसे पहले गाइस आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू गूगल क्रोम पे या गूगल पे, ठीक है। उसके बाद आपको ये ओपन करना है, ठीक है। और रही दूसरी बात, आपको ऐसे कुछ पेज ओपन हो जाएंगे, इसके ऊपर आपको मैग्नेटिक यूज कर लेना, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक को भी इंडिकेट कर सकते हो ये गाइस, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वो इंडिकेटर आज होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले से आपको रिपेयर बता देता हूँ, ठीक है। देख लो इंडिकेटर सेक्शन में जाना, पहले तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है, कैंडल नॉर्मल रखनी है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको ये वाला इंडिकेटर ले लेना है, ठीक है। देख लो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहला इंडिकेटर ये और दूसरा वाला ये, ठीक है। देख लो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। और दोनों इंडिकेटर आ गए डेस्कटॉप के ऊपर, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, ठीक है। तो पहले वाले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, इसकी सेटिंग स्टाइल के अंदर आपको हटा देना, इसको बैठा देना, इसको बैठा देना, इसको भी देख लो, ठीक है। और नीचे आना है, फिर आपको यहाँ से ये वाला हटा देना है, ठीक है। देख लो एक बार हो गया, फिर जाना है दूसरे वाले इंडिकेटर सेक्शन में, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने आपको, ठीक है। देखिए आज का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपको इसके ऊपर बाइंग मिल गई, गैप अप, यहाँ से आता टारगेट बुक करो, निकल जाओ साइड वेज, यहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी क्रॉस किया, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छी खासी बाइंग जी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और देख लो यहाँ पे एक एरो मिल गया स्ट्रॉन्ग बाइंग का, तो आ गई बाइंग यहाँ से, यहाँ से तो एक स्ट्रॉन्ग रेट एरो आया था सेलिंग का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद थोड़ी ट्रैपिंग हो गई। देख लो यहाँ पे लाइव बाइंग आ गई और वही बैक टेस्ट करते अपने, तो देख लो इसकी अच्छी खासी रिजल्ट है। देख लो यहाँ से सेलिंग, यहाँ से रिटेक लिया थोड़ी सेलिंग, चलो देखते भाई बैक साइड कैसे गए, थोड़ा नेट स्लो, ठीक है। देख लो यहाँ से भी यहाँ तक सेलिंग अच्छी खासी, और ये जो एरो है रेड कलर का सेलिंग का काम कर रहे हैं, और जो ये वाला है ये बाइंग का करता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यहाँ से एक एरो दिया रेड के, रेड लाइन के नीचे भी आ गई सेलिंग, देख लो यहाँ से यहाँ तक, तो काम करता है ये इंडिकेटर। देख लो एक बार आप बैक टेस्ट करो, ठीक है।